समझदार। सारे व्यापारी घबराए हुए हैं बॉस। आपका फोन नहीं लगा तो मुझे फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लाइन कही कहने पर हम सब ने बाजार का सारा गेहूं खरीद कर गोदामों में भर लिया है और फंस गए हैं। सरकार तो उन बनिया से कह दो कि आज ये गेहूं नहीं सोना है, अगर खरीद लिया है तो आराम से सो जाएं और हमको भी सोने दे। कौन था डार्लिंग? जस्ट अ बिजनेस कॉल स्वीटहार्ट। भारत सरकार का आश्वासन, जनता बढ़ती कीमतों से घबराए नहीं, गेहूं के भाव में भारी गिरावट। वक्त से पहले ही नुकसान, तीन वक्त के नुकसान की बात करते हो, 30 वक्त फायदा भी तो हुआ है हमारे लाइन की वजह से। मालूम है आईजी के खास दोस्त ने। हाँ मालूम छे, 7 लाख में माल भरिया दे लू। लाइन तो बोल रहे थे जनता भले भूखी मर जाए, आप जिस भाव बेचोगे हम उस भाव खरीदेंगे। खरीदेंगे सेठ, खरीदेंगे। लाइन जरूर कुछ तरकीब निकालेंगे। तरकीब क्या निकालेंगे, यहाँ तो कल मुंबई में आ हम लुट जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे। कल लाखों टन गेहूं आ रहा है, भाव गिर जाएंगे और हम सब जैसे मर जाएंगे। अरे लाइन के होते हुए कुछ नहीं होगा। लाइन प्लीज आप भी तो कुछ बोलिए, अगर सचमुच कल जहाज बम्बई पहुँच गया तो हम सब तो बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। 50 लाख का सामान मैंने लेकर। अगर जहाज बंबई पहुंचेगा तब ना। कौन जिम्मेदार, मैं, आप या सरकार? कौन है वो गद्दार जो अनाज गरीबों के मुंह तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद कर देता है या अपने गोदामों में भर लेता है? इतना बड़ा पुलिस का महकमा लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं आईजी खन्ना। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं सर कि बहुत जल्द ही यह गिरोह हमारी हिरासत में होगा। मैंने उस ऑफिसर को फिर से यहां बुला लिया है जिसके नाम से मुजरिम थर्राते हैं, जिसका नाम है प्रभाकर श्रीवास्तवा। Thank you.
पुलिस वाले हो पुलिस वालों की तरह हो। नहीं डीएसपी साहब, डीएसपी साहब मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं सर, बिल्कुल सच कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता सर। एक बार फिर पूछने आया हूं, जिसका ट्रक तुम चला रहे थे उसके मालिक का नाम क्या है? मुझे कुछ नहीं मालूम सर। नहीं सर, नहीं सर, प्लीज सर, नहीं सर, उस ट्रक का मालिक कौन? आप हजार बार मुझे यूं ही मारते रहेंगे सर, और मैं हजार बार यही कहूंगा, मुझे कुछ नहीं मालूम सर, सर मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है, और तुम बताओगे कौन है तुम्हारा असली बॉस, कौन है वो जो मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा है, किसके लिए काम करते हो तुम, बोलो। नहीं सर, और मत मारिए, मुझे मार नहीं सह सकता, मैं मर जाऊंगा सर। रखो, जब तक तू अपने असली बॉस का नाम नहीं बता देगा मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। वो मर जाएगा लेकिन बताएगा नहीं। हाँ बॉस, मर तो वो जरूर जाएगा, चाहे वो बताए या ना बताए, होना तो ये चाहिए कि वो बताए नहीं, चाहे वो जिए या मरे। उस पर भाकर को आप जानते नहीं, पूरा भेड़िया है कमबख्त। माना आईजी आपके पुराने दोस्त हैं, पर प्रभाकर भी तो उनका खास आदमी है, जब से वो आया है जीना हराम हो गया है हमारा। साले को सिवाय फर्ज के और कुछ सूझता ही नहीं, कहां वो शिकारी कुत्ता और कहां हमारा रघु। सोचिए बॉस, कच्चा है उसके आगे, सोचिए, थिंक थिंक। रघु, बता दे वो कमीना आदमी कौन है, रघु तेरा असली बॉस कौन है, बता दे रघु, बता दे। आप समझते क्यों नहीं डीएसपी साहब, मैं नहीं बता सकता। अगर उसका नाम बता दूंगा तो वो मुझे जान से मार देगा, और मैं मर गया तो इतनी बड़ी दुनिया में मेरी बहन बिल्कुल अकेली रह जाएगी सर, बिल्कुल अकेली। ठीक है रघु, फिर मैं खुद ही जाकर तुम्हारी बहन को तुम्हारे काले कारनामे में बता देता हूं, और इस बात को धमकी मत समझना तुम, सब कुछ तुम्हारी बहन के बारे में पता लगा चुका हूं मैं। शिमले में पढ़ती है, अपने भाई को रईस समझती है, और रईसों की तरह रहती है, और उसका नाम है सपना माथुर। रुक जाइए डीएसपी साहब, प्लीज सपना से कुछ नहीं बताइएगा सर। सर मेरी बहन ये हकीकत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, वो सदमे से पागल हो जाएगी। रघु बता दे उसका नाम, बता दे, इसमें तुम्हारा भी भला है हमारा भी भला है। देख रघु, डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, कानून तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हारा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। सिर्फ उसका नाम बता दे, एक बार उसका नाम बता दे। बोल रखो, बोलना क्या नाम है। लाइन, लाइन है उसका नाम। झूठ बोलते हो, भागते हो तुम, शहर के इतने बड़े बाइज्जत आदमी के ऊपर कीचड़ उछालते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? लायन यानी दीन दयाल, जानते हो तुम? मैं जानता था डीएसपी साहब कि आप यकीन नहीं करेंगे, आप क्या कोई भी यकीन नहीं करेगा। झूठ अक्सर बहुत आसानी से गले से नीचे उतर जाता है सर, सच को निगलना बहुत कठिन है। लेकिन याद रखिए, अब मैं बचूंगा नहीं। रघु, तुम्हें कुछ नहीं होगा। किशन, इसके लिए खाना ले जाओ। नहीं, कैसे हो सकता है, आईजी साहब का खास दोस्त लायन, और ना। डीएसपी
हेलो पापा, हम चिंकी पिंकी बोल रहे हैं। आपने हमसे प्रॉमिस किया था ना कि आप हमारा कलर बॉक्स ला देंगे और हमारी गुड़िया भी। अच्छा बेटा ले आएंगे। मुझे बात करने दे पापा, ये पिंकी मुझे बहुत सताती है, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा पापा, अंजू आंटी देखो ना भैया, कितनी बार मना किया है कि ऑफिस टेलीफोन मत करो, मगर मानते ही नहीं। पापा को फोन करो, पापा से बात करनी, बस जिद किए जा रहे हैं। अंजू, मुझे कुछ ऐसा जरूरी काम आ पड़ा है कि मैं शायद तुम लोगों को स्टेशन छोड़ने नहीं आ सकता, इसलिए बच्चे जो चाहें उन्हें मेरी तरफ से खरीद देना। भैया बड़े सीरियस नजर आ रहे हो, डैडी कहाँ है? अपने केबिन में है। अच्छा, उनसे कह देना कि स्टेशन जरूर आए, और भैया तुम भी आने की पूरी कोशिश करना, वरना बच्चे उदास हो जाएंगे। ओके, जरूर आना पापा। दीनदयाल जी, वाह वाह वाह, अब मेरा बर्थडे मनाएंगे और उस बर्थडे पर आप 30-35 हजार रुपए खर्च करेंगे? ऐसा क्यों नहीं करते भाई, 30 हजार रुपए कैश भिजवा देना मुझे, कैश है। वैसे भी लोग बात करेंगे कि आईजी रिश्वत खाता है, then why not take it direct, है? Come on man, don't pull my leg. अरे यार क्या बात करते हो, अरे भाई मुझे तो बस प्यार ही चाहिए, तुम्हारी दुआ ही काफी है। तुम भूल गए होगे, मैं नहीं भूला, याद है उस दिन शेर के शिकार में है तुमने मेरी जान बचाई थी, वो जान नहीं बचाई होती ना तो बर्थडे तुम क्या मनाते, डेट डे मनाना पड़ता, डेट डे। सलाम लफ सलाम, यही अपना अपना प्रभाकर, प्रभाकर चलाओ। इस दुनिया में मैं दो उल्लू के पट्ठों को प्यार करता हूँ, एक तुम लायन के बच्चे और दूसरा यह शेर का बच्चा प्रभाकर है। तो क्या मैं लाउड स्पीकर पे अनाउंस करूं ये बात? यू वेट मैन, यू वेट, एक दिन मैं तुम दोनों शेरों को भिड़ा दूंगा और फिर मजा आएगा। ओ गॉश, आई एम गेटिंग लेट मैन, लिसन फिर बाद में बात करेंगे अपन, अभी चलें हम। अच्छा लिसन, नो बर्थडे पार्टी फॉर मी, नो बर्थडे, ओवर। गॉश आईजी खन्ना और 7 मिनट लेट, तो सब दोस्ती यारी में सब यही प्रॉब्लम होता है। I'll get a bloody reputation for being unpunctual, unpunctual. What's wrong with you? तुम मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? क्या बात? सर मैं आई अंडरस्टैंड, बस समझ गया। वो चिंकी पिंकी जा रहे ना शिमला, इसलिए देखो आई लव यू लाइक अ सन, तुम्हें बच्चे की तरह प्यार करता है। जब तुम्हें ड्यूटी पे भेजता हूँ, कभी काम पे भेजता हूँ, तो क्या मैं रोता हूँ? तेरा मन चेरा शाबाश, गुड बाय, 7 बजे पहुंच जाना ड्यूटी करने के बाद स्टेशन पे। ओके गुड बाय, गुड। लो खाल बैठो। गलतफहमी हुई है प्रभाकर, मैं भला ऐसे देशद्रोही ग्रोह के बारे में क्या जानकारी रख सकता हूं? मैं तो खुद गरीबों का, जनता का हमदर्द हूं, उनके दुश्मनों का भी दुश्मन हूं। हर चीज का दुश्मन है आप, दोस्ती के नकाब में छुपे हुए सबसे खतरनाक दुश्मन। इस बात की समझ मुझे उस वक्त आई जब आपने रघु को जान से मरवा दिया। मैंने? इतने समझदार पुलिस ऑफिसर होकर ऐसी बातें करते हो, क्या तुम्हें मेरे हाथों पर खून लगा नजर आता है? मुझे आपके हाथों पर नहीं बल्कि आपके मुंह पर खून लगा नजर आता है सेठ दीनदयाल। मैं तुम्हारा अंकल हूं बेटे। हूं नहीं थे, ये मत समझिए कि एक रघु के मर जाने से आपके खिलाफ सारी गवाहियां जाती रहीं। मैं जमीन आसमान एक करके भी आपके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करूंगा, तब आपसे बात करूंगा। गुड बाय।
पानी के बिना मछलियां कैसे तड़प रही हैं? जी हाँ, ठीक उसी तरह से जिस तरह से देश के लाखों करोड़ों बच्चे अनाज के बिना भूख से तड़प रहे हैं, और ये नीच काम करना आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन ये मत भूलिएगा सेठ दीनदयाल, जिस दिन देश का भूखा बचपन जवानी पर आएगा, उस दिन दिल में एक बदले की भावना होगी, जो आप जैसे सेठों के पेट को फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, फाड़ दो ऐसे भेड़ियों को, चीर दो ऐसे गद्दारों को, और तब शायद सरकार तो क्या भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकेगी। बड़ी बड़ी बातें करनी तो मुझे भी बहुत आती है, लेकिन एक बात मत भूलिए डीएसपी साहब, कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की। जानता हूं कि आपको लोग एक शेर के नाम से जानते हैं, मगर ये मत भूलिए सेठ दीनदयाल कि जब शेर आदम खोर हो जाता है तो सरकार उसे अपनी गोली का निशाना बनाकर कुत्ते की मौत मार देती है, और इस बार इस आदमखोर शेर के शिकारी का नाम है प्रभाकर श्रीवास्तव। बहुत बोलता है, विश हिम बेस्ट ऑफ लक। हम जो आए तुम्हारे डबल पापा हैं, ग्रैंड पापा हैं। चलो 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 चलो, नहीं चाहिए। कब आएंगे? चलो गरिया जी। कुट्टी छी, ऐसी कुट्टी नहीं किया करते पिंकी। तुम्हारे पापा तुम लोगों से कितना प्यार करते हैं, फिर पापा हमें छोड़ने क्यों नहीं आए? कहीं काम में फंस गए होंगे। उन्होंने शिमला में आने का वादा किया है ना, हमारे पापा तुम्हारे लिए बहुत से खिलौने लेकर के आएंगे। अरे ट्रेन छूटने वाली है, पापा से कहना कि हम उनसे नाराज नहीं है, हम उन्हें चिट्ठी लिखेंगे। बाय डैडी। टाटा। पापा को शिमला लेके जरूर आना ग्रैंड पापा, पापा को हमारी पप्पी देना। टाटा। Doctor, I'm sorry, sir. Who are you meeting? Don't be pessimistic, doctor. Don't talk like this. आपको से बचाना होगा, किसी हालत में, किसी कीमत पर आपको से बचाना होगा, डॉक्टर। आइए साहब, हमसे जो कुछ भी हो सका हम सब कुछ कर चुके, अब तो भगवान ही कोई करिश्मा करे तो करे। भगवान जरूर करिश्मा करेगा डॉक्टर, भगवान जरूर करिश्मा करेगा। मुझे मेरा ऑफिसर प्रभाकर चाहिए डॉक्टर, उसके बच्चों को उनका बाप चाहिए डॉक्टर, और इस देश को अपना बेटा प्रभाकर चाहिए डॉक्टर। यू मस्ट सेव हिम, सेव हिम एट एनी कॉस्ट डॉक्टर। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, गॉड ब्लेस यू।
बिना कोई फिक्र मत कीजिए जेला साहब, वैसे मैंने इस पर्चे में कुछ विटामिन आपको लिख के दिए, आप उन्हें वैसे ही लेते रहिए। एक्चुअली यू आर परफेक्टली ऑलराइट, आप बिल्कुल बीमार नहीं है। गलत, मुझे एक लाइलाज बीमारी है डॉक्टर। लाइलाज बीमारी? जी हाँ, बुढ़ापा, यंग मैन बुढ़ापा, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं। आप वाकई बड़े मजेदार आदमी है जेलर साहब। ये भी गलत, 3 महीने पहले मैं जेलर साहब था। डॉक्टर, सरकारी नौकरी में रिटायर होने के बाद कोई साहब नहीं रहता, अब मैं सिर्फ जेलर डेविड हूँ, यू कहिए ओनली जेल। ओके सर, फिर मिलेंगे। थैंक यू डॉक्टर, विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। अमा खन्ना, मुझे अपने घर डिनर पर बुलाते हो खुद यहाँ? खैरियत तो है? बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। क्यों, क्या हुआ? मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। तुम्हारा बेटा? मेरे सामान ही है प्रभाकर, तुम उसे नहीं जानते। बैठो। पानी के बिना मछलियां कैसे तड़प रही हैं? लेकिन एक बात मत भूलिए डीएसपी साहब, सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। बड़े दुख की बात है तुम। ये प्रभाकर है ना, दिल का बहुत साफ आदमी है, इसीलिए मुश्किल में पड़ गया था। ना इंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकता, खोल उठता है तो फिर उसका दिमाग काम नहीं करता। शुरू ये दुश्मन के अड्डे में घुस गया होगा और वहां उसे ललकारा होगा, स्टूपिड इडियट, नहीं जानता कि उसका नतीजा क्या होगा। और उन जहरीले सांप ने से डस लिया। सारे शहर में लोग मुझे लॉयन कहते हैं। चला गया देश का बेटा, शहीद हो गया मेरा प्रभाकर कटोली और सरखन। आ मेरे साथ। जो चीज अभी पिंकी और पिंकी से वादा करके आया हूं, उनके पापा को उनके पास लाऊंगा। तुम हमें छोड़कर चले गए, अब इन क्या जवाब दूंगा? ये नहीं हो सकता। और तो देखो खन्ना, ये तुम्हारा प्रभाकर नहीं हो सकता। बस नॉनसेंस योर टॉकिंग डेविड, यही मेरा प्रभाकर है। नो नो खन्ना, हेलो, दिल्ली सेंट्रल जेल, मैं डेविड बोल रहा हूँ बॉम्बे से, जेलर रहमान को फोन दो। जेलर रहमान, मैं डेविड बोल रहा हूँ, नंबर 511 कहाँ है? क्या कहा? वहीं है। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता? फिर से देखो जी, सामने दिख रहा है, पक्की बात है। अच्छा, क्या हुआ डेविड? कमाल की बात है यार खन्ना, सुना था, पढ़ा था, फिल्मों में देखा था, पर जिंदगी में भी ऐसा हो सकता कभी सोचा ही नहीं। What happened, man? What happened? मैं चक्कर खा गया हूं यार। क्या हुआ? क्या? एक कैदी है नंबर 511, मेरे दिल्ली के सेंट्रल जेल में,
बिल्कुल तुम्हारे प्रभाकर की शक्ल का, बस वही चेहरा डिटो। क्या बकते हो? ठीक बकता हूँ यार। एक्सक्यूज मी सर, मरते वक्त प्रभाकर साहब का हाथ इस चार्ट पर था, हाथ में पेन था, उन्होंने इस पर कुछ लिखा है। नंबर 17, नंबर 17। क्या मतलब? जरा देखो। ठीक है देव। नंबर 17 मतलब तो मैं भी नहीं समझा। मैं समझ गया। नंबर 17 का ताल्लुक उस गैंग से है जिसने प्रभाकर श्रीवास्तव को मारा है। ये नंबर 17 क्या हो सकता है? हो सकता है मकान नंबर, गली नंबर, कार नंबर, कैदी नंबर। कैदी नंबर। रॉय। यस सर। प्रभाकर श्रीवास्तव मरा नहीं, बंदा यू अंडरस्टैंड। ये आप क्या कह रहे हैं सर? तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ कि प्रभाकर श्रीवास्तव इम्प्रूव कर रहा है, दिन ब दिन ठीक हो रहा है। ये बात, ये खबर हर अखबार, हर रिपोर्ट में छापेंगे। यू गेट माय पॉइंट? बट सर, आई मीन व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज माय ऑर्डर एंड नाउ मूव फास्ट। ओके सर। डेविड, अगर प्रभाकर को भगवान ने वापस बुला लिया है तो तुम्हें भी भगवान ने भी इसी वक्त मेरे पास भेजा है। कल सुबह की पहली फ्लाइट से हम दोनों दिल्ली जा रहे हैं प्रभाकर को वापस लाने के लिए। खन्ना, ये उल्टी सीधी स्कीमें मत बनाओ, फंस जाओगे। तुम जानते हो उसे? एक नंबर का हरामी, महा उजड़ खतरनाक खूनी है, खूनी, दो खून कर चुका है। वकीलों ने जिरो से संभाल लिया तो उम्र कैद हुई, वरना फांसी पे लटक जाता। खन्ना, ये 511 तुम्हारे बस का रोग नहीं, एकदम बिगड़ा हुआ सांड है। अब आओ सालो कुत्तो, कपड़िया काट कर फुटबॉल नहीं खेला तो मेरा नाम कालीचरण नहीं। कालीचरण, देख रामदास को गुस्सा मत दिला। चूर कहीं क्या, साला पकड़े ना। अबे वो चार्ली चैपलिन की तेरा भी औलाद, असल बाप का बेटा है तो खोल के मार साला। अब बोलो खन्ना, अब भी प्रयोग करने का इरादा बचा हो तो इन्हें भेज दें तुम्हारे साथ। आप हैं श्रीमान कालीचरण। Interesting bastard. Indeed. Jailer Rahman. Yes, sir. मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसके केस हिस्ट्री और रिकॉर्ड की फाइल मुझे चाहिए। Right, sir. इसकी जंजीरें खोल दो। मगर सर, ठीक है, जंजीरें खोल दो। और तुम लोग बाहर जाओ। कालीचरण, आप बंबई के आईजी साहब हैं। होंगे, मैं क्या करूं? नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्ते बेटे, मैंने तुम्हारे केस हिस्ट्री की फाइल पढ़ी है। कौन से नई बात की है? सभी पढ़ते हैं हुजूरिया। ये तुम्हें अपने साथ बंबई ले जाना चाहते हैं। क्यों, तुम्हारे अगर राशन पानी खत्म हो गया? नहीं कालीचरण, आईजी साहब तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं। तो पहले इस कुत्ते रामदास को बनाओ ना। कालीचरण, चरण, अच्छा नागरिक बनना कोई बुरी बात है? बहुत बुरी बात है।
इस दुनिया में एक आम आदमी अच्छा नागरिक नहीं बन सकता है, समझे? जा रहा हूं मैं। बाप का माल समझ रखा है, अच्छा नागरिक बनाएगा, बंबई ले जाएगा। साले बुढ़े लफाड़ियों को मेरी शक्ल पसंद आती है। जाओ सर, अब इसे खड़ा करके मारो, लेकिन मारो जरूर। चलो कैदियों के साथ ऐसा सुलूक करते हो, इसमें करवा दूंगा। यस सर। रामदास। यस सर। एक ग्लास गरम दूध लाओ। यस सर। लगी तो नहीं? लगी भी हो तो तुम्हें क्या? इसलिए कि मुझे तकलीफ होती है, इन हरामजादों को डिसमिस करा दूंगा, फूके मरेंगे फिर होश आएगा। I cannot tolerate this nonsense, cruelty to convicts. After all, बैदी भी तो इंसान होते हैं। कितने दिन हुआ तुम्हें? हिस्ट्री नहीं पढ़े थे क्या? सर, मैं बड़ा दूध पियो, पियो 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 पियो। आज नागपंचमी है क्या? नागपंचमी? फिर ये सांप को दूध क्यों पिला रहे हो? क्या बात कही है? Very clever indeed. Very, very clever. मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ। मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं भी यही कहता। इसमें तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बेटे। आप मेरे बाप बनने की कोशिश ना करें तो बहुत बेहतर होगा। जाइए, जा सकते हैं, जाइए। शंकर अच्छा आदमी था। पुलिस हॉस्पिटल पर नजर रखने का काम दिया गया था उसे, फिर भी वो लोग प्रभाकर को निकाल ले जाने में कामयाब हो गए। तुम जानते हो जैक कि जो लोग हमारे काम के नहीं होते। नहीं, बॉस, बॉस, मैं प्रभाकर को जल्दी ढूंढ निकालूंगा। वो हम लोग हिंदुस्तान के सारे अस्पताल छान मारेंगे बॉस, वो कहीं ना कहीं तो होगा। मेरी समझ में नहीं आता है बुड्ढे, तू मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? कभी दूध पिलाता है, कभी खाना खिलाता है, भाषण दे देकर तूने मेरे नाक में दम कर रखा है। 50 बार कह चुका हूं, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अच्छी मुसीबत है, अच्छा नागरिक बनाएगा। अरे इस कैदखाने में 450 और भी कैदी भरे पड़े हैं, किसी भी साले को बना दो अच्छा नागरिक। मैं क्यों कूल डाउन? मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम्हारे लिए मैंने सरकार से इजाजत ली है। मुझे समझने की कोशिश करो, अगर मैं किसी और को ले गया और वहां से भाग गया तो मैं कितनी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। बोलो मंत्र। मैं समझ गया क्या कि आप बात ठीक कर रहे हैं। सही है, सही है। मैं आपके साथ चलूंगा। You are right. That's my boy. That's my boy. I'm so happy. अब तुम देखो मैं तुम्हारे लिए क्या से क्या करूंगा। तुम्हें आम आदमी से महान आदमी बना दूंगा। महान। David, you touch me, you man. सुन लिया, सुन लिया। तुम्हारा सारा ड्रामा भी देख लिया दोस्त। ठीक है, ले जाओ इसे, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। अबे दुआ करनी है तो मेरे लिए नहीं, उस सांड के लिए कर कि वो जल्दी से जल्दी आदमी बन जाए और फिर मैं उसे प्रभाकर बनाकर बंबई ले जाऊंगा। यानी तुम उसे बंबई नहीं ले जाओगे? नहीं, पहले मुझसे शिमला ले जाऊंगा। वहां मेरी अंजू भी है ना, मेरी बेटी। हम दोनों मिलकर इसके दिल में जो नफरत जमी हुई है ना उसे धोएंगे। इसके पहले मैं उसे शिमला ले जाऊंगा। खुद ही तार दे दिया, गंदे डैडी, कंजूस। लव भी नहीं लिखा, स्वीटहार्ट भी नहीं लिखा। बस गेस्ट हाउस में आ जाओ। ये कोई तार हुआ मालूम है? यूथ फेस्टिवल में हमारा प्रोग्राम था, छोड़ के आना पड़ा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे भैया तुम भी आ गए, चिंकी पिंकी तो आप। अरे ये क्या हुलिया बना रखा है भैया? चुप है, मैं कोई तेरा भैया नहीं हूँ। कब शॉप कर, जल्दी ले ऊपर, ऊपर वाले कमरे में। चलिए शॉप, चलिए। डैडी
ये वो प्रभाकर नहीं जो तुम समझ रही हो। क्या? आ बताता हूँ। सब आपके लिए चाय लाऊं पीने वास्ते? नहीं। तू फिर कॉफी लीजिए शाम नेस्कैफे। तो सब क्या मैं आपको कोई ठंडा पिलाऊं? नींबू का शिकंजी? मैं आपका दामाद लगता हूँ क्या? जी नहीं, जी नहीं। तो कभी चाय, कभी ठंडा, कभी गरम, कभी कॉफी। समझ गए साहब, समझ गए। और ये बात तुम्हारे और मेरे बीच रहेगी, strictly between us। अगर किसी को मालूम हो गया तो पगली ही क्या कर रही हो? अब फिर छोटा करने से काम नहीं चलेगा। इधर देख, तो मुझे दो आंसू बहाने का भी वक्त नहीं दिया। सब लोग मेरे खिलाफ थे, फिर भी मत करके इस उम्र कैद तुझे कैदी को जा लिया है, ताकि से प्यार से डीएसपी प्रभाकर बना सकूं। तुम्हें मेरा साथ देना है। मैं आपकी बेटी हूं डैडी। ये आदमी जो भी है, जैसा भी है, मैं उसे उतना ही प्यार दूंगी जितना कि मैंने प्रभाकर भैया को दिया था। लेकिन अफसोस की बात तो ये है डैडी कि चिंकी पिंकी को उनके डैडी कभी वापस नहीं मिलेंगे। तीर से लड़ने निकले हैं बेटा, जितना जीत जाए बहुत। प्यारे प्यारे पापा। पापा को चिट्ठी लिख रही है पिंकी। तू रो क्यों रही है? पापा का जवाब किसलिए नहीं आता? ला, मैं चिट्ठी लिखता हूँ ग्रैंड पापा को। तू रो क्यों रहा है? मैं कह रहा हूँ ग्रैंड पापा, पापा को यहाँ जल्दी भेज दो। वो छोटे शाबा ने जो आपके साथ में आया था वो भाग गया। अरे क्या हो गया साली?
यहाँ तो कुछ नहीं है मेम साहब। अरे अच्छी तरह देखो। देख लिया मेम साहब, यहाँ कुछ नहीं है। देख लिया ना, खाम खा डर रही थी। मैंने कहा था ना कुछ नहीं, चलो सामान उतारे। चलो चलो चलो, क्या मजा आएगा। अरे आज तुम्हारी चिट्ठी आई है। लो, इससे पहले इसकी चिट्ठी आ गई। किसकी चिट्ठी है? तेरे जीजा जी की पढ़ने का। अरे तू ही पढ़ के सुना देना। बेटी सपना, धर तेरे की पहली लाइन में कचरा कर दे। चलो 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 चलो। अरे जाला साली, बोर करती रहती है। रघु भैया किसी काम से बाहर गए हैं, इसीलिए मैं खुद ही चिट्ठी लिख रही हूँ। बात नहीं करूंगी। उम्मीद करती हूँ तुम्हारे पेपर अच्छे गए होंगे, फर्स्ट क्लास। आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती। रघु दा तो सुख था, और तूने भी चिट्ठी नहीं लिखी। बोरिंग यार, चल लेना, नहीं तो वही अपने रघु भैया के बारे में वही पुराना राग शुरू कर देगी। अरे ओ लैला, तेरे उस मजनू के लव लेटर में कौन सा नया राग रहता है? वो इस साले पुराने फिल्मी गाने। चल फुट ले जा स्प्रे। देख सपना। अरे हां मेरे पास लो, देख। चलो चलो चलो। एक बात बतानी है, जो मैं चिट्ठी में नहीं लिख सकती, तुम जल्दी से बॉम्बे चली जाओ और बाकी सब ठीक ठाक है। रघु भैया ने कहा था सपना से कहना अपना ख्याल रखे, उन्होंने बहुत सारा प्यार दिया तुम्हारी प्यारी मौसी। कितने अच्छे मेरे भैया। अरे नीतू की बच्ची तो फिर आकर सो गई, चल जाओ अपने सेट में। नहीं जाएगी। चोर किधर है? चोर? मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो इसी तरह चलाया था। मैं देखी, मुझे ठंड लग रही थी इसलिए मेरा चलाया। पकड़े इसे। देखो देखिए भाई साहब, मैं चोर नहीं हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ मैं कालीचरण हूँ, मेरा मतलब मैं प्रभाकर हूँ। अरे सुनिए देखिए, सुनिए देखिए, मैं बंबई के आईजी का दोस्त हूँ, नौकरी से निकलवा दूंगा। आईजी का दोस्त है? नहीं तो क्या प्रभाकर का दोस्त हूँ मैं? सपोर्ट। अच्छा मैं यही हूँ, इंतजार कर रहा हूँ यहीं पे। रिपोर्ट में चेक ले। ओके। अरे अंकल आप, नमस्ते। अब पता चला अंजू अचानक हॉस्टल से सपना इधर आना, हॉस्टल से बाहर सब तेरी खबर लेंगे। सपना बात यह है कि ओहो डैडी के आते ही बहाने शुरू हो गए। ठीक है कॉलेज मत चल, कैंप फायर के प्रोग्राम में तो चल यार, वहाँ चल के तो देख एक से एक जलवे हो रहे हैं, ड्रामे हो रहे हैं। ड्रामा हो रहा है सब, हमारा भी ड्रामा हो रहा है। अंकल हमारे यूथ फेस्टिवल में सिर्फ स्टेज पर ही नहीं, जिंदगी में भी ड्रामे हो रहे हैं। आप तो बॉम्बे के माने हुए आईजी हैं, कई चोर और डाकू पकड़े हैं आपने। कुछ नहीं किया अंकल, जो इस लड़की ने किया। कल रात बड़ा मजा आया अंजू, एक भयानक काला कलूटा चोर मेरे टेंट में घुसा है। साला सॉरी, मेरे बिस्तर में छुपा हुआ था। फिर मेरा नाम भी तो सपना है, मैंने आओ देखा ना तो उसे गर्दन से पकड़ लिया और फिर दे धनाजन दे। क्या है? थैंक यू। तो फिर तुमने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? अरे पुलिस तो बहुत बाद में आई, मगर साले को जेल, सॉरी पहुंचा दिया जेल में। अरे हाँ अंकल, सबसे मजेदार बात यह है, अपने आप को आपका फ्रेंड बता रहा था, मैंने एक रख के दिया, मैंने कहा फेंकता है, डर गया, इतना घबरा गया कि घबराहट में अपना नाम भी नहीं बता सका। कभी कहता था प्रभाकर, कभी कहता था कालीचरण। कुफरी पुलिस स्टेशन भेज दिया। ब्लडी फूल। अरे ये अंकल को अचानक क्या हो गया? यू डफर, डैडी इन्हीं के लिए तो कल से इतने परेशान थे। व्हाट? हाँ ये कोई चोर नहीं बल्कि मेरे प्रभाकर भैया हैं, डैडी के खास पुलिस ऑफिसर। प्रभाकर वही जिनके बारे में तू उतारी? हाँ हाँ बिल्कुल वही। ओह नो। अंकल ये प्रभाकर डीएसपी है, शक्ल से तो कोई डाकू लगते हैं। वो एक्सीडेंट हो गया था ना,
दिमाग पे काफी चोट लगी है। हाँ मुझे अंजू ने बताया बेचारा। हाउ सैड। ओके ओह असली बात बताना तो मैं भूल ही गई। तो क्या? आज शाम हमारे कैंप में मेरा आइटम है, आप जरूर आएंगे। अंजू बेटी आएगी तो नो नो आपको भी आना पड़ेगा और प्रभाकर साहब को भी लेते आइए, शायद हमारे संगीत में कोई जादू हो। Thank you.
तेरे जैसे हजारों शानों को ठीक किया है। गो, खिड़की और दरवाजे बंद कर दे और शहर दे शहर साफ को किस काम को क्यों सोया चादर तान रे सुरत सा डैडी आप उसे पिंजरे में कब तक बंद रखेंगे रब जी साहब उस जिंदगी के लिए खाना फिर से लेके जाओ लेकिन साहब वो तो बंद था क्यों ठहरो गोप खाना मैं लेकर जाऊंगी वो मैं समझा गोपू था इंसान का हर उसूल अच्छाई बुराई इसी रोटी के दायरे से शुरू होती है इंसान दिन रात मारा मारा फिरता है इस रोटी के कमाने के लिए आदमी का खून पसीना औरत के दिन रात बच्चों के सपने इसी रोटी में है तुम इसे ठुकरा रहे हो क्यों मैं पूछता हूं क्यों डैडी मुझे तो मार जाओ किस बात का गुस्सा तुम्हें और तुम्हें जेल की बेइज्जती और तोहमत से बचा कर लाया इसका और तुम्हें एक नेक आदमी बनाना चाहता था इसका तुम जैसा जाहिल 10 जन्म लेने पर भी इतना बड़ा काम नहीं कर पाता जो मैं तुमसे कराना चाहता था सारे पाप धुल जाते तुम्हारे और मेरे भी अगर नहीं बाहर गया तुमने मुझे हरा दिया तो मैं नहीं रोकूंगा कब बाप का सामान बांधो जीप में रखो ड्राइवर से कहो कि जहां भी जाना चाहे छोड़ के आए और जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारी जगह जेल मैं काट लूंगा तो बाद आ जाओ जहां भी जाना चाहो जा सकते हो और खुश रहो भाषण देता है पुट्ठा और दो भाषण बेटे मगर जाऊंगा जरूर जाऊंगा बहुत बड़ा धर्मात्मा बनता है साला भैया क्या है इस धागे को देखते हो इसे राखी कहते हैं तुम जा रहे हो भैया लेकिन जाने से पहले एक बहन अपने भाई को राखी बांधना चाहती है मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूं मुझे बेवकूफ समझा है क्या जाओ यहां से अच्छी बात है भैया तुम जैसा ठीक समझो तुम जहां भी रहो खुश रहो तुम्हारी सारी बलाएं इस बहन के सर आ जाए ये लो बांधो बांधो
मेरी भी क्या किस्मत है, एक भाई को राखी बांधनी थी तो वो दुनिया छोड़कर चला गया, और अब दूसरों को बांध रही हूँ तो वो घर छोड़कर जा रहा है। हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मगर कभी किसी ने पूछा कि क्यों जा रहा हूँ मैं, क्यों जाना चाहता हूँ मैं, पूछा किसी ने? मैंने आज तक किसी को बताया नहीं अंजू, लेकिन तुम्हें बताकर जाना चाहता हूँ। तुमने राखी बांधी है ना, ठीक इसी तरह से मेरे हाथ में राखी बांधने वाली तुम्हारी तरह एक बहन थी मेरी, गीता। इस दुनिया में अगर मेरा कोई भी था तो सिर्फ मेरी बहन। कितना प्यार करती थी मुझे वो। किसी जमाने में मैं भी अपने एक छोटे से गांव का एक अच्छा आदमी माना जाता था। बंदूकें और बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में 300 रुपए महीने का मामूली मजदूर था मैं। लेकिन एक बहुत बड़ा शौक था मुझे, बंदूक का निशाना लगाना। मेरी सबसे बड़ी दौलत थी मेरी बहन गीता। हमारी फैक्ट्री के बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े लोग मेरा शो देखने आया करते थे। विजयी होने के बाद भी मैं अपने आप को हारा हुआ पाता जब देखता कि अब गीता की शादी होने वाली है और मुझ जैसे गरीब के पास क्या था, सिर्फ नकली चांदी की ट्रॉफियां। जब भी फैक्ट्री से वापस लौटता, गीता को अपने सपनों में खोया हुआ पाता, लेकिन उसके ससुराल वालों की बड़े दहेज की मांग थी और मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी न थी। एक शाम जब मैं घर लौटा तो देखा मेरी ही फैक्ट्री के कुछ लोग, शेट्टी और उसके साथी, मेरा इंतजार कर रहे थे। शेट्टी मुझे एक कोने में ले गया और कहने लगा, तुम्हारी बहन की शादी की समस्या मैं पूरी कर सकता हूं, चूंकि तुम एक जबरदस्त निशानेबाज हो। सेठ धर्मचंद तुम्हें 20,000 रुपए देगा, सिर्फ तुम्हें उसकी अपाहिज बीवी का खून करना पड़ेगा। शेट्टी! वो मुस्कुराया, कहने लगा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, पछताओगे। इतने में गीता ने अपने ससुर की आई 5वीं चिट्ठी मेरे हाथ में दे दी। मैं समझ गया ये उनका आखिरी पैगाम था। मैं घुटकर रह गया। आखिर मैंने निश्चय किया कि एक बार लड़के के भाई के सामने अपनी बहन के लिए जरूर गिड़गिड़ाऊंगा। क्यों रे, सुना है तू गांव में बहुत गुंडागर्दी करता है। नहीं दादा, पहले करता था, अब नहीं करता, बहन की शादी जो करनी है। दहेज की बात तो मैं नहीं, वो तो दादा करते हैं, बाकी मैं सब ठीक कर दूंगा, तू फिकर मत कर। अरे बंदूक पीछे कर, गोपाल को भी तो गीता पसंद है। अरे छाती तान कर, घर जा और शादी की तैयारी कर। शादी होगी गीता, मेरी बहन, तेरी शादी होगी। ये खुशखबरी देने के लिए मैं घर भागा, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो चुका था। गीता की इज्जत लुट चुकी थी, काली चरण खत्म हो चुका था। मैं समझ गया शेट्टी और उसके दोनों साथियों की यह हरकत थी। काली चरण, तेरी बहन रेलवे लाइन की तरह भागी जा रही है। गीता! शेट्टी के साथियों का खून कर दिया, लेकिन शेट्टी गांव से भाग चुका था और उसके बाद मुझे सिर्फ एक ही आदमी की तलाश है। शेट्टी, शेट्टी, शेट्टी! नहीं भैया, नहीं। जब तक उसके खून से अपने माथे पर तिलक नहीं लगा लूंगा, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती है। मेरी बची हुई जिंदगी का अब सिर्फ एक ही मकसद रह गया है, शेट्टी।
बस क्या उसका खून करके तुम्हारी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा? क्या तुम्हें तुम्हारी गीता वापस मिल सकती है? ना भैया ना, कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी तरफ देखो, क्या मैं तुम्हारी गीता नहीं? डैडी। यस। व्हाट? यस सर। नो सर, प्रभाकर। पत्लगीस, बास्टर्ड। अंजू, बिल्कुल अपना प्रभाकर लगता है ना? लेकिन सर, आपने प्रभाकर का रास्ता बताया ही नहीं। अभी बताता हूँ। हाय, क्या हॉर्न बजा बजा के थक गई। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही है। आज वाकई बहुत खुशी का दिन है। संडे है क्या? नहीं, आज डैडी और प्रभाकर भैया का आपस में फैसला होगा। धत, अरे हाँ यार, वाकई खुशी का दिन है। और इसी तरह से मेरा प्रभाकर अपने कर्तव्य के लिए, अपने देश के लिए शहीद हो गया। और ऐसा शहीद कि जिसकी चिता पर कोई बिगुल नहीं बजाया गया। उन गद्दारों को पकड़ने उसकी जो कामना अधूरी रह गई, उसे मैं पूरी करूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम कालीचरण से प्रभाकर बन जाओ। लेकिन सर, मैं तक बहुत ही मामूली आदमी। नो माय सन, नो, तुम नहीं जानते कि तुम क्या चीज हो। आज ही प्रभाकर के बच्चों की चिट्ठी आई, वो पढ़ के सुनाता हूं। ग्रैंडपापा, आपने हमसे वादा किया था कि आप हमारे पापाओं को लेकर शिमला आएंगे। 14 नवंबर को हमारा पेरेंट्स डे है। पापा को भेज दिए ना ग्रैंड पापा? प्लीज, आपकी चिंकी और पिंकी। अब तुम ही बताओ कि मैं बच्चों को कैसे बता दूं उनका पापा इस दुनिया में नहीं। दो बटे चार,
छोटी छोटी बातों में बढ़ गया संसार। बताओ बेटे, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो इनके आंसू पहुंच सके? वो अपने पापा से इतना प्यार, मासूम बच्चों के प्यार की कसम माई जी साहब, अब मैं देख लूंगा कौन है नंबर 17। कैसे हैं आप? ठीक हूं साहब। फर्स्ट क्लास? यस सर। अच्छे हो? ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं साहब, गलती हो गई। अरे गलती हो गई, हाथ में सिगरेट है तो हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा ना, पियो। बेल ठीक है सर? बेल ठीक है, आगे पैंट के बटन खुले हुए। नाम मानव कुमार, शिक्षा बीए, काम बेरोजगारी। मानव, ये सातवीं बार है जब तुम हवालात में जा रहे हो। आखिर बार बार हवालात में जाने से क्या मिलता है आपको? ये बार बार मुझे हवालात से निकालने में क्या मिलता है? मानव, तुम पढ़े लिखे आदमी होकर हवाला चलना पसंद करते हो? जी हाँ, क्योंकि इस पढ़े लिखे आदमी को दो वक्त की रोटी सिर्फ एक ही जगह मिल सकती है, और वो है हवालात। यस यस यस, नो नो नो, यस यस यस। प्रभाकर, तुमसे कोई जरूरी बात करनी, जरा केबिन में चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर, तुमने देखा एक्शन में प्रभाकर के दिमाग को कितनी चोट लगी है? देखो बदल गया है, entirely different man altogether. मैं भी यही देख रहा हूँ सर। I'm sorry to know this sir. You don't have to be sorry, he'll be all right. ठीक हो जाएगा। कभी कभी ऐसी ऐसी बात हो जाए तो संभाल लेना। All right sir. अपनी चाल तो बड़ी सीधी होती है भाई खन्ना, जो मोहरा सामने आए उसे मार दो। अब अपना वजीर बचो बेटे। एक बात बोलूं लाइन? अरे कमीने आदमी हो तुम। ये तुम्हारी जरा नवाजी है, वैसे मैं कमीने के कहने का बुरा नहीं मानता। हर बार मेरा वजीर मार देता तू। जी मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता अंकल। कमान कमान। अरे आओ आओ भाई प्रभाकर, कहाँ छुपे रहे, किस अस्पताल में रहे? अगर मालूम होता तो कम से कम हम मिलने तो आते।
क्या अपने डायल अंकल दीनदयाल जी? अरे अंकल कमाल जनाब, मैंने ही छुपाया था भाई से। अच्छा, कैंसर रोगी उसकी जान के पीछे पड़े, तुम तो जानते हो मेरा खास मोहरा है ये, खास वजीर। भगवान न करे भाई तुम्हारे वजीर को कभी कुछ हो। जी ये पात्र तो घिस पिट चुके हैं अंकल, कोई नया तरीका ढूंढिए बाप। तरीकों से तो तुम खूब वाकिफ हो हैं। वो अंजू तेरा इंतजार कर रही है तेरे लिए, तोहफा लाई। नहीं अब तो दो दो हाथ इनके साथ मैं। अभी अकेला काफी हूँ, जरूरत पड़ेगी तो बुला लूंगा। जा जा जा, जा, जा बड़ा अच्छा तोहफा लाई तुम्हारे लिए, शाबाश, गुड बॉय गुड बॉय। चलिए बबर शेर साहब का ये मैदान में। वैसे प्रभाकर ने बताया तो होगा कि किन आदमियों ने उस पर हमला किया। क्या तुमसे क्या छिपाना, दरअसल बात यह है कि उस हादसे के बाद में प्रभाकर अपनी याददाश्त खो बैठा। ये तो बहुत बुरी बात है। नहीं लान, मैं भी आई जी पुलिस राय साहब करतारनाथ की औलाद हूं और अपने बाप की कसम खाकर बोलता हूं कि जिस दिन उस सुअर का बच्चा मुझे मिल जाए तो भगवान और कानून का न्याय तो बाद में होगा, पहले आईजी खन्ना अपना हिसाब किताब उसे चुकाएगा। धज्जी उड़ा दूंगा शरामजादे की ब्लडी बास्टर्ड। बुढ़ापे में अपना ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाते, तुम तो कोई नई चाल सोचो। काली प्रभाकर श्रीवास्तव, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, कौन सा बोल रहे हैं आप? आपका एक दोस्त, एक हमदर्द, जिसे आप खामखा अपना दुश्मन समझते हैं। भाई दुश्मन तो है ही आप, सुबह सुबह नींद से जगा दिया आपने। यही तो मैं चाहता था प्रभाकर साहब, कि आप नींद से पूरी तरह जाग जाएं। इस दफा आपने बड़ी लंबी नींद का बहाना किया जो आपके लिए और खतरनाक है। मगर आपके बाप ने आपका कोई नाम तो रखा होगा ना? रखा है, बाप ने भी रखा है और दुनिया वालों ने भी, लेकिन भगवान ने मेरा नाम आपके लिए कुछ और ही रखा है। चलिए वही बता दीजिए। मौत। अबे ओए जमराज के पोते साले, धमकी देता है? धमकी नहीं, चेतावनी। अबे साले अगर इतना ही दम है तो एक बार अपना नाम बता बता बता, फिर देखते रहे गली में आकर तेरे ही आदमियों के सामने अगर तेरा तांडव नृत्य करवा दिया तो मेरा नाम प्रभाकर श्रीवास्तव नहीं, समझा? स्पॉइल्ड केस। नंबर 17। रखो 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 रखो, मैं गिरफ्तार किया जाता है। हाँ, मैंने सुना मियां तुम्हें बंद करना चाहो, मारो तू वहां से। मैं कहीं चोरी नहीं की, हाय मारी गाड़ी ने 70 नंबर से दोस्तों सही हो। हम कोई चोर गुंडे नजर आते हैं? मैं क्या नहीं लूंगा जी, ये कोई विधि है? माना माना नहीं का दावा करूंगा। आप ठीक कह रहे हैं, ये कोई विधान है? ये विधान बिल्कुल अशुद्ध है। अपन 17 रुपए किलो तार के मछिया बेचना सारे चक के अंदर पाता है, उन्हें से जाके गंडेरिया बेचे के ढाके मारिए। इंस्पेक्टर जी खोबड़ी पकड़ी गई है, 70 नंबर वाला फ्लैट चेन मैंने पकड़ी लिया होते कमाल है सरकार से। साहेब माधा का गुंडा, मी मटका नंबर 17 लावला आणि हात बंद केला मला। आम्ही आमचेरी आदमी आहे। अरे गुड मॉर्निंग सर। बोलेंगे व्हाट्स द स्टॉल अबाउट, इज अफशोर कैसा है? सर पिछले 2-3 दिनों में प्रभाकर साहब ने 20-25 लोगों को हिरासत में ले लिया है। प्रभाकर ने? What for? किस जुर्म में? जी 17 नंबर के बिना पर। 17? किसी का फ्लैट नंबर 17 है, किसी का गाड़ी नंबर 17 है, और एक आदमी तो ऐसा भी है सर जो 17 बच्चों का बाप है। Bloody hell! इंस्पेक्टर शर्मा, अच्छा करो इन सबको रिहा कर दो, इनसे माफी मांगो। प्रभाकर कहाँ है? जी वो आपके केबिन में है। नincompoop! तो ये कौन खिला रहा है? शरीफ आदमियों को पकड़ पकड़ कर हवालात में बंद कर रहे हैं। शरीफ यही तो धोखा खा रहे हैं आप आईजी साहब। जो लोग शरीफ दिखते हैं अक्सर बड़े बदमाश होते हैं, जैसे कि ये लोग जिनका सीधा और गहरा ताल्लुक है नंबर 17 के साथ। नंबर 17 यानी दुनिया का सबसे खतरनाक नंबर। लेकिन मैं किसी खतरे से नहीं डरता, बिल्कुल नहीं डरता। मैंने आपसे वादा किया था कि एक दिन नंबर 17 के गिरोह को पकड़ के आपके सामने पेश करूंगा, लाऊंगा, दिखाऊंगा। आपकी पूरी पुलिस फोर्स जिस रहस्य को आज तक नहीं सुलझा सकी है उसका मैं देखते देखते भांडा फोड़ दूंगा। और
नंबर 17 गिरोह से ताल्लुक रखने वाले हर मुजरिम को, यानी हर इंसान को, बच्चे बूढ़े औरत मर्द जवान को पकड़ के आपके सामने पेश करूंगा, क्योंकि मुजरिम यकीनन इन्हीं में से कोई ना कोई है। और एक राज की बात भी है। क्या राज है वो? ये अपना हवलदार किशन है ना मोटू, इसका भी नंबर 17 है। कभी कभी चोर हम पुलिस वालों में भी छुपे होते हैं। तुम्हारी सली आश। पेपर, पेन, राइट। मेरी तबीयत ठीक नहीं। आपकी सर। नहीं नहीं, बड़ी फूल, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। मैं अब ड्यूटी ठीक तरह से नहीं कर सकता हूं और मुझे एक महीने की छुट्टी और चाहिए। मैं अपना काम ठीक तरह से नहीं कर सकता हूं, मैं अपनी ड्यूटी ठीक तरह से नहीं कर सकता हूं। तुम्हारा पापा तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा। तुम्हारा पापा कभी नहीं मरेगा बेटे, वो हमेशा तुम लोगों के पास रहे। कितना अच्छा था मेरा रघु, आखिर समय तक यही कहता रहा कि सपना से कुछ नहीं कहना, उसकी परीक्षा के दिन है। मैं वादा करती हूँ भैया, तुम्हारे कातलों का पता मैं लगाऊंगी। पागल न बन बेटी, वो क्या करेगी जब प्रभाकर जैसे काबिल अफसर ने लघु के हत्यारों की पता लगाने की कोशिश की तो वो लोग उनकी जान के दुश्मन बन गए, उन्हीं को मार डालना चाहा। बेचारा मानो भैया, लघु भैया तो तुम्हारे खास दोस्त थे, अक्सर शाम को वो कहाँ जाते थे, किन लोगों से मिलते थे? वो अक्सर चैताली के अड्डे पर शराब पीने जाया करता था। बॉस का फोन था? हाँ, सूरज निकलने से पहले उसकी लाश मिल जानी चाहिए, वरना शहरी, मेरा रामपुरी दोस्त कहाँ है? चीयर्स। माथे से पसीना पोछ लो मैन। कौन हो, कहां से आई हो, किस लिए आई हो? लैला है अपन, गोवा से आया है मरेले की तलाश में।
सुनता है तुम्हारा पन दोस्त था रखो। चालीस हजार रुपए निकलता है अपुन का उसके ऊपर, अपुन को उसके बॉस से वसूल करने का है। ए मैन, मदद करेगा? लेकिन अपना क्या फायदा होगा उसमें मैन? 40 में से आधा तुम्हारा, लेकिन काम होने के बाद। और जादू की अंगूठी है अपन, जो चाहेगा मिल जाएगा। ये बात है, तो आओ मेरे साथ। चलो, ये तो मुझे कहाँ लेकर आ गए? गोदाम भी अपना है और काम भी अपना। तेरी तो लैला पूरी तैयारी के साथ आई है मैन। पहले मेरा काम करो, बाद में कुछ सोचो। वाकई जादू की अंगूठी है लैला। मुझे जाने दो। आप जेरी, जॉन, टाइगर, बच्चा, जल्दी दरवाजा बंद कर दो। वेरी गुड, इसी शिकार की तो हमें तलाश थी। आइए प्रभाकर साहब, आज आपका भी खेल खत्म हो जाएगा। खेल तो अभी शुरू हुआ है। मर्द के बच्चे औरत के दामन से नहीं, शेर के पंजों से खेला करते हैं। असली पाप की औलाद है तो अपनी जगह से हिलना नहीं। डर मत कुत्ते, गोलियां बहुत महंगी हैं। मुकाबला 1-10 का है। मैंने कहा था ना, ये अपनी हिफाजत के लिए। इधर इधर, ये तो सिर्फ एक नमूना था। 5 सेकंड के अंदर जिन हाथों से इस दरवाजे को बंद किया था, उसी को खोलकर बाहर निकल जाओ, वरना इस गोदाम को लाशों के गोदाम में बदल दूंगा। बाहर। भाग गए। अच्छा हुआ मानो तुमने मुझे वक्त पे इत्तला दी। सुनिए, मर्दों का काम मर्दों तक ही रहने दें तो बेहतर है। चल। मैं जानता था बेटे, तुम लोग तुम्हें प्रभाकर समझकर जरूर तुम पर वार करेंगे, लेकिन आइंदा ख्याल रखना, ऐसे मौके पर जो भी तुम्हारे नजदीक आए उसे गिरफ्तार करके मेरे पास ले आना, बाकी मैं संभाल लूंगा। अमा खन्ना, नजदीक तो मैं हूं इस वक्त, ऐसा कहोगे तो ये मुझे ही गिरफ्तार कर लेगा। नहीं डेविड, अभी तुम्हारा कैदी नहीं, मेरा प्रभाकर है, देश का सपूत प्रभाकर। प्रभाकर जैसी आत्माएं मरा नहीं करती। एक प्रभाकर चला गया तो दूसरा कालीचरण आ गया प्रभाकर के रूप में। क्यों, अब तुम तो बहुत खुश हो कालीचरण, अब तुम फिर से ड्यूटी पे जा सकते हो। सिपाही से हवलदार बनाने की तरक्की सुनी थी,
पर कायदे से डीएसपी बना देना सिर्फ तुम्हारा ही काम। राधा पक्का देखो तो क्या नहीं हो सकता। मैं काली चरण मैं मतलब मैं प्रभाकर हूँ। देखिए बंबई के आईजी का दोस्त हूँ मैं। काली चरण मैं कालीचरण नहीं हूँ। तुम नाम बदल सकते हो खुद को नहीं। मैंने सारा कुछ सुन लिया है। सपना हाँ इन बच्चों के लिए इन सब के लिए तुम इतना। ये एक नाटक है। लेकिन हकीकत से सुंदर। ये झूठ है। लेकिन सच से भी बड़ा। मैं एक मामूली आदमी हूँ। लेकिन लाखों से महान। हाँ कालीचरण तुम। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सपना वो मरेगा और जरूर मरेगा। आज वो आईजी की लड़की और उसकी सहेलियों के साथ समाज सेवा के लिए चंगू बस्ती जा रहा है। लेकिन अब हम उसे पब्लिक प्लेस में नहीं मार सकते। चंगू बस्ती वहाँ तो शाका रहता है। और शाका अवतार साहब का भाई है। और शाका उसे छोड़ेगा नहीं। अत्री बाबू आज हमने जरा सी दारू पी है। हमारा नंबर आया तो हमें बुला लेना। ये आपका नंबर लग गया। देखा ना अब अगले इतवार को आना और फिर से लाइन लगाना। ये क्या मतलब हुआ? पांच आदमी को तेल दिया और तेल खत्म। देखो सुबह हमारे सामने गाड़ी आई थी तेल की। और गाड़ी आई थी वो क्या तुम्हारे बाप ने बेची थी? चलो जाओ तेल बेल कुछ ने। ये तुम्हारी सरासर बेईमानी है। जमाखोरी है। बेटा थोड़ा सा तेल दे दो बच्चों के लिए खाना पकाना। जा वहाँ जा आज तेरे घर में खाना नहीं बनेगा। अरे जिस जिस को खाना बनाना हो वो पिछले दरवाजे से दुगने दाम पर ले ले। तेल ही तेल है। हम गरीब लोग इतना पैसा कहाँ से ला सकते हैं? तुम्हारो सालों जाके पैसा नहीं है तो मैं तुम्हारे घर पे बुलाने नहीं गया कि आओ और तेल ले जाओ। मैनेजर बाबू इन सब लोगों को मिट्टी का तेल दे दो वरना तुम्हें इसी तेल में जलाकर मिट्टी कर दूंगा मैं। जाइए जाइए इंस्पेक्टर साहब। इस बस्ती में बहुत से पुलिस वाले आए धमकियां दी और वापस चल दिए। ये शाका की दुकान है और इस बस्ती में वही होता है जो शाका चाहता है। तुम्हारे इस बस्ती के राजा की शक्ल जरा हम भी तो देख रहे हैं। कौन है तुम्हारा शाका? साहब के लिए चाय पानी का इंतजाम करो। शाका हमारा नाम है हुजूर। गरीब लोगों के साथ जमाखोरी का नीच काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? गुस्सा बहुत बुरी चीज है हुजूर। शाका की बस्ती में आए हैं नाश्ता पानी तो करते जाइए। कई बार तुझसे कहा खास कुत्तों को हड्डी हाथ तरह नहीं दिया करते। सबके सामने काले धंधे और रिश्वत देने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार करता हूं शाका। बहुत नाम सुना था पर भाकर श्रीवास्तव आज देख लिया चूहे का भी दम नहीं है। इस खिलौने के सहारे के बगैर और कर भी क्या सकते हैं? तुम्हारी ललकार में एक बात है शाका। प्रभाकर साहब उसके मुंह मत लगिए वो बहुत खतरनाक आदमी है। भैया प्लीज। पापा हट जाए हट जाए। बोल शाका किस तरह का फैसला चाहिए तुम्हें? काले धंधे की कसम शाका बहादुरी का दूसरा नाम है सरकार और बहादुरों की कदर करता है। सामने वाले दुश्मन को लड़ने से पहले बराबर का मौका देता है। मेरे हाथ में एक त्रिशूल है। और एक त्रिशूल आपके हाथ में होगा। अगर त्रिशूल चलाना ना आता हो तो शाका से माफी मांग लेना। शाका तुम्हारे हथियार से लड़ेगा। जानते हो शाका इस त्रिशूल से महाकाली ने सदा पापियों का नाश किया है। और शाका काली माँ का भक्त है। और तुम ये नहीं जानते कि मैं काली का चरण हूं।
उठ दोस्त उठ। मानता हूं शाह का बहादुरी का दूसरा नाम है, लेकिन दोस्त प्रभाकर श्रीवास्तव अभी इंसाफ का दूसरा नाम है। ना इंसाफी नहीं होने दूंगा, सामने वाले दुश्मन को लड़ने से पहले बराबर का मौका दिया जाएगा। काले धंधे की कसम, बहुत दिनों बाद आज एक तेज शिकार मिला है। काली मां की कसम डीएसपी साहब, अगर आज शाका हार गया तो हमेशा के लिए बस्ती और धंधा छोड़ देगा। तेरे जैसे बहादुरों की इस देश को सख्त जरूरत है। उठ उठ जा। मैं हार गया। शाका हार गया। प्रभाकर साहब, आज आपने मेरी जान बचाकर मुझे कर्ज में डुबो दिया है। झंडो खत्ते, दुकान खोल दो। आज से शाका की दुकान नहीं, बस्ती की दुकान है। सबको माल खुल के बांटो। अरे कमबख्त, कई बार कहा है कि काला धंधा छोड़ दे, क्यों उन गरीबों की आह लेता है और फिर प्रभाकर साहब जैसे शरीफ अफसर के साथ झगड़ा करता है। तुझे तो अपना भाई कहते हुए शर्म आती है। आई फील अशेम। तेरे जैसे हर एक काई के भाई हो जाए ना, हिंदुस्तान का कल्याण हो जाए। Come on. Now be careful. Your friend is coming. Good morning, sir. कितने प्यारे कुत्ते हैं. What beautiful dogs. आजी मामा है क्या? Hello. Oh, shut up. Hello. Come on. पुराने कुत्तों से मैं बोर हो चुका हूँ. ठीक कहा बॉस. हमारे आदमी बिल्कुल बेकार निकले. 10-10 आदमी भेजे थे उस पर वार करने के लिए, लेकिन प्रभाकर ने उसने तुम्हारे छोटे भाई की छुट्टी कर दी। यही संदेशा लेकर आए हैं मेरे वफादार कुत्ते। सॉरी बॉस, मैं शाका की इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूं। अब तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, ये काम हम खुद करेंगे। आप बॉस? हाँ, अब हम अपने आदमियों को और ज्यादा खतरे में डालना नहीं चाहते, इसलिए हमने दक्षिण भारत से एक निहायत ही खूंखार और शिकारी कुत्ता मंगवाया है। मैं समझा नहीं बॉस। हमने जागीर सिंह को बॉम्बे बुलवाया। जागीर सिंह? जागीर सिंह और दीनदयाल में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जागीर सिंह के पीछे 10 साल से पुलिस पड़ी है और दीनदयाल पुलिस वालों के साथ बैठकर दावतें उड़ाता है। जागीर सिंह खुलेआम कत्ल करता है और दीनदयाल धीरे धीरे लोगों को जहर देकर मारता है। खैर, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन रुपए
2 लाख लूंगा। दिए खून कौन करेगा, तुम? नहीं, मेरे 50 पूरे हो चुके हैं, ये खून मेरा सांप मेरा बेटा करेगा। बहरा है, गूंगा है, राज की बात न सुनता है न बोलता है, सिर्फ आंख का इशारा समझता है। अब तक 34.5 खून कर चुका है। आधे का मतलब? एडवांस ना मिलने की वजह से 35वां खून आधा ही रह गया। ये रहा तुम्हारा एडवांस। तुम्हारा काम हो गया दीनदयाल। इसका मतलब है इसने कसम खाई है कि खून करके ही लौटेगा। हाँ तो अब अपना प्लान बता। प्लान यह है कि कल सुबह आईजी खन्ना प्लेन से दिल्ली जा रहा है। हेलो, मैं दिल्ली से सीआईडी इंस्पेक्टर मेहरा बोल रहा हूँ। अंकल दिल्ली पहुंच गए? जी हाँ, आपको आईजी खन्ना साहब ने आज ठीक 3 बजे बॉम्बे सेंट्रल लाइब्रेरी पहुंचने के लिए कहा है। मगर किस लिए? संदेश आपको वही मिल जाएगा, मामला बेहद अर्जेंट है। आप? हाँ मैंने सुना, लेकिन तकदीर हमारे साथ है। मौसम खराब होने की वजह से प्लेन वापस आ गया। मगर सर ये टेलीफोन अभी? ये दुश्मनों के गैंग का मास्टर प्लान है, बहुत बड़ा षड्यंत्र। वो चाहते हैं कि प्रभाकर को एक दफा फिर से मार दिया जाए। मैं समझ गया सर, लेकिन सर पे कफन बांधने वाले कभी मौत से नहीं डरा करते। मैं जाऊंगा सर, और आप मुझे नहीं रोकेंगे। मैं जाऊंगा। तुम जाओगे और पूरी तैयारी के साथ जाओगे। एक्सक्यूज मी, आपका नाम प्रभाकर है? जी नहीं। आपका? जी नहीं। जी मेरा नाम प्रभाकर है। कोई साहब आपके लिए किताब छोड़ गए। यानी आप अच्छी तरह समझ गए कि हमने आपको किस लिए बुलाया है। फिर ये मामला आपका और हमारा है, ये साथ में सरकारी कुत्ते किस लिए? हमें यकीन है अगर आप वाकई हमसे मिलना चाहते हैं तो चुपचाप सामने वाले बाथरूम के पिछले दरवाजे से अकेले ही श्री बाबुलनाथ के मंदिर चले आइए। समय बहुत कम है, जल्दी आपका दर्शन अभिलाषी। कृपा चिट्ठी जेब में डाली है। बाबुलनाथ मंदिर सर। सुभाष, बाबुलनाथ मंदिर। प्रभाकर जी, आप ही का नाम है महाशय? जी हाँ। आपके चाचा जी कुछ प्रसाद चढ़ा गए हैं, जल्दी में थे, रुके नहीं, आपके लिए कुछ सामग्री छोड़ गए हैं, लीजिए अर्पण कीजिए। भगवान का प्रसाद पाते ही फौरन वसोवा बीच के उस कोने में चले आइए जहां रेत में किसी कलाकार ने एक मूर्ति बनाई है। हाँ एक प्रार्थना है, आपके जेब में एक हिंसा वादक वस्तु है जिसे पिस्तौल कहते हैं, इसे फिलहाल भगवान के चरणों में ही रख दीजिए। प्रेम मिलन में ऐसी चीजों को साथ नहीं रखते। चलिए जल्दी कीजिए, आपका शुभ चिंतक। वसोवा बीच। ये पुलिस वाले बड़े बदमाश हैं। आपको भेज तो दिया
पर साथ में आपकी पैंट के नीचे कॉन्टैक्ट ट्रांसमीटर रख दिया है। कृपया पहले उसे निकाल कर उस समंदर में विसर्जन कर दीजिए। What happened? Sir, disconnected. Disconnected? Thank you. बस अब यहाँ से ठीक दाई ओर 2 फरलॉन्ग की दूरी पर एक पुराना चर्च है, वहीं मुलाकात होगी। पर आइएगा सीधे, समय बहुत कम है, मैं आपके इंतजार में हूँ। टैक्सी वाले के नाम, ये आदमी गूंगा और बहरा है, इसे होटल मार्केंटो जाना है, पहुंचा देना।
जागीर सिंह सर। हाँ, ये वही मुजरिम है, इसकी पुलिस को बहुत दिनों से तलाश थी। ए, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? जो कुछ कल हुआ उसे सुनकर दिल कांप जाता है। दिल है तुम्हारे पास? सुनो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? मैं मर जाती। और मैं जो तुम पर पहले से ही मर चुका हूँ। अरे, ये आंटी पापा का गला क्यों दबा रही है? चुप, तू अभी छोटी है। नहीं नहीं पापा, हमने कुछ नहीं देखा। नहीं नहीं भैया, सच मैंने भी कुछ नहीं देखा। चुप रे साली, तुझे शर्म नहीं आती? वो देख अंकल आ रहे। मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग लव, हाउ आर यू? मैं राजू, आज रात को हमने कुछ मेहमानों को बुलाया है। तुम लोग क्या प्रोग्राम? प्रोग्राम आज 31 दिसंबर है। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गई थी, आज रात नया साल शुरू हो रहा है। डैडी, हम सब लोग दीनदयाल अंकल के नए होटल में जाएंगे। उसका नाम क्या है? हाँ, होटल लाइन। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम सब होटल लाइन में जाओ और हम बुड्ढे लोग अपना जश्न घर में मनाएंगे। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और सुनाओ, हमने भी कुछ नहीं देखा। Thank you.
हेलो प्रभाकर। हेलो अंकल। हेलो हेलो सपना। बड़ा अच्छा होटल बना लिया अंकल आपने। स्टिल नॉट कंप्लीट। खुशी की बात तो यह है कि यह मनहूस साल तो तुम्हारे लिए कंप्लीट हुआ। आपका आशीर्वाद है अंकल। अरे भाई आशीर्वाद तो बड़े आदमी देते हैं, हम तो सिर्फ राय दे सकते हैं। एक तो ये कि दुश्मनी से दोस्ती हर हाल में बेहतर होती है। हाँ बेशक, बशर्ते कि दोस्ती सच्ची हो और नियत में खोट ना हो। दूसरी बात बोलिए। दूसरी बात यहाँ नहीं, कभी खाने पर घर आ जाना, इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, जरूर आऊंगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। उम्मीद है कि नया साल हम दोनों के लिए तरक्की और सलामती लेकर आएगा। बाय। नया साल मुबारक। क्या हुआ? ये साला चुरुट वाला आदमी मुझे बहुत गड़बड़ दिखाई देता है, हमेशा कुछ बेसिर पैर की बातें करता रहता है। तुम्हें कभी कोई आदमी सीधा नजर आया है? चलो चलो ना बाबा। Ladies and gentlemen, Hotel Line welcomes you to bring in the new year. Kindly take your partners for the midnight special. सर मैं आपसे कह रहा हूं सर, रिकॉग्नाइज ऑफ योरसेल्फ, पार्टी बजाओ। डांसर्स डिस्ग्रेसफुल। मैंने सुना वीर जवान कोई राज की बातें लेकर आया। सर मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि नंबर 17 ही लायन। ओह इन दैट इस वक्त बहुत से इंपॉर्टेंट लोग आए हैं, ये कागज का खेल छोड़ो और पार्टी बजाओ। देखिए सर मुझे दीनदयाल पे शुरू से ही शक था। ओह शट अप। दान तो मेरे खास दोस्तों में से है और उसे मैं कई जानता हूं। यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं सर कि जो किताब आंखों के बहुत नजदीक लाई जाए उसके अक्षर बहुत ही मुश्किल से पढ़े जाते हैं। वाह वाह वाह। अरे सुनो कौन सी फिल्म का डायलॉग है? काली चरण का। अच्छा तो आप अब अपना नाम भी देने लगे? यू गेट डाउन फ्रॉम हियर। मेरी बात तो मैं आपसे कह रहा था कि यू वांट टू टच द ब्रेन ऑफ इंडिया। आउट। नो दुनिया नहीं मानती तो ना सही, अब तुम भी दुनिया को बता दो कि क्या है काली चरण। लेकिन इसका कोई तरीका नहीं है। है एक तरीका, अब हम उस साले के घर में घुसकर उसे मारेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उस कमीने के साथ मिलकर। चीयर्स। शीशे के गिलास में तो सभी शराब पीते हैं, लेकिन चांदी के गिलास में शराब पीने का मजा ही कुछ और होता है। जी हाँ, शीशे के गिलास में शराब दिखाई देती है, चांदी और सोने के गिलास में छुप जाती है और फिर सोमरस कहलाती। एक काम की बात बताने जा रहा हूँ। आज रात को आपके गिरगाम वाले गोदाम पे हम रेड मारने जा रहे हैं। रेड मारने के बाद मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। हम लोगों के अलावा किसी को नहीं मालूम था। फिर उन बदमाशों को कैसे मालूम हुआ कि हम लोग वहां पर छापा मारने वाले हैं? हाउ द हेल डिड दिस सीक्रेट लीक? इससे साफ जाहिर है कि किसी ने राज फाश किया। अनुज दैट बास्टर्ड जॉन डो। काली चरण पूरे 140,000 हैं। जो गिनने की क्या जरूरत है,
आज के जमाने में तो बेईमानी ही एक ऐसा धंधा रह गया है जो पूरी ईमानदारी के साथ किया जाता है। सिर्फ देखने की तमन्ना है मियां, दिखा दो। दिखा दो, दिखा दो। लो, वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम जानते हो शर्मा तुम क्या कर रहे हो? मैं जो कुछ कह रहा हूँ सब सोच समझ कर कह रहा हूँ सर। मैं प्रभाकर साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरा फर्ज मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं अपना शक आप पर जाहिर कर दूं। हो न हो, प्रभाकर साहब को बदमाशों ने अपने साथ मिला लिया है और वो आजकल अपनी पोजीशन का पूरा फायदा उठा रहे हैं सर। ये देखिए, हम आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए और गरीबों के लिए कंबल और कपड़े लाए हैं। आप हिसाब से लोगों में बंटवा दीजिएगा। और ये सारी चीजें आप लोगों को सेठ श्री दीनदयाल जी की असीम अनुकंपा से प्राप्त हुई हैं। और आज शाम को जो इस बस्ती में त्योहार मनाया जा रहा है उसको शोभायमान करने धर्मात्मा सेठ दीनदयाल जी स्वयं पधार रहे हैं। बार बार तो बार बार तुमको हम सब का प्रणाम, हम सब का प्रणाम। बार बार तुमको हम सब का प्रणाम, तुम कितने बड़े हो, हाँ कितने महान, हाँ कितने महान। ये लोग भला क्या पहचाने, तुम जानो या हम जाने, ये तुम जानो या हम जाने। तुमको भोले नाथ कहे, हाँ हाँ हाँ, तुमको भोले नाथ कहे या बोले चक्करधारी, बोलो बोले चक्करधारी। तेरे चक्कर तू ही जाने, क्या जाने ये जनता बेचारी। जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी। मारी गई जनता बेचारी, जय जय माखन चोर मुरारी। तेरे रूप है हजार, ज्यादा कहना है बेकार, क्यों है तेरी जय जयकार। ये लोग भला क्या पहचाने, तुम जानो या हम जाने, ये लोग भला क्या
میں بھی ٹھیک کہتا تھا, مجرم آخر مجرم ہی ہوتا ہے. کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس آدمی پر وشواس کر کے میں نے اپنی تقدیر اپنا کیریئر تاؤں پر لگا دیا تھا. وہی شخص مجھے دھوکہ دے گا یہ میں وشواس تک نہیں کر سکتا تھا. یہ آپ کو ضرور کوئی غلط فہم ہوئی ہے, میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا ہے. تمہیں یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایک پربھاکر وہ تھا جو اپنے فرض کے لیے اپنی جان دے سکتا تھا, اور ایک پربھاکر یہ ہے جو کاغذ کے چند ٹکڑوں کے لیے اپنا فرض, اپنا ایمان, اپنی آتما تک کو بیچنا چاہتا ہے. کل کو مجھے بیچ دے گا, اپنے بال بچوں کو بیچ دے گا, اپنی بہن کو بیچ دے گا. تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, مجھے غصہ مت دلا. فرض اور ایمان کی باتیں کرتے ہو, اگر میں تمہیں سچی بات بتا دوں. میں پوچھتا ہوں کیا قیمت ہے آتما کی؟ کیا دیتے ہو تم میرے فرض کے بدلے میں صرف دو وقت کی روٹی؟ اتنے سستے میں نہیں بیچوں گا اپنی آتما کو. میرا فرض اپنے بچوں کی طرح بھی ہے, ان کی پرورش کے لیے مجھے پیسہ چاہیے, پیسہ. ان کی پرورش کے لیے میں ابھی زندہ ہوں, لیکن تم نے مجھے جس موت مارا ہے اس کا بھگتان تمہیں کرنا ہوگا, اور میں تمہیں گرفتار کرتا ہوں. انسپیکٹر شرما. یس سر. اب پربھاکر بھی میرا بنگلے سے موٹر سائیکل پر بھاگا ہے, اسے فوراً گرفتار کرو. واٹ سر؟ دس از مائی آرڈر. کی اولاد, میں نے تم لوگوں کے لیے کیا کیا نہیں کیا, اور تم لوگوں نے میرے بچے کہاں؟ کہو تو آئی جی کھنہ کے پاس واپس بھیجوا دیں. لگتا ہے کہ وہ گھر بھی اب تمہارے لیے بند ہو چکا ہے. جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے, بس آج کا کام ہو جائے, اس کے بعد بچوں کے ساتھ جہاں چاہو چلے جانا. آج کا کام ذرا ٹیڑھا ہے, بنا پربھاکر کی مدد کے نہیں ہو سکتا. کون سا کام؟ گجرات میں باڑھ آئی ہے, بمبئی کے سرکاری گوداموں میں بھرا ہوا لاکھوں ٹن اناج کل گجرات کے لیے چل پڑے گا. آج کی رات اگر ان گوداموں کو اڑا دیا جائے تو ہماری چاندی ہی چاندی ہے, لیکن ان گوداموں پر سخت پہرا ہے, کوئی اندر جا نہیں سکتا. ڈی ایس پی پربھاکر تو جا سکتا ہے. مطلب تمہارے ساتھ ہمارے آدمی بھی ہوں گے. بارود کے خاص جانکار کو ہم نے اسی کام کے لیے بلوایا ہے, اس سے مل لو اور ساری اسکیم سمجھ لو. کمنٹ نمبر 3. بات کیا ہے پربھاکر؟ پربھاکر میں بتاتا ہوں سیٹ دین دیال, یا تو تم لوگ بیوقوف ہو یا بیوقوف بنایا گئے ہو. یہ آدمی پربھاکر نہیں, کالی چرن ہے. کالی چرن؟ جی ہاں, یہ ڈی ایس پی نہیں, ایک ان پڑھ گنوار مزدور ہے جو کبھی میری طرح میری فیکٹری میں میرے ساتھ کام کرتا تھا. اس کا نام کالی چرن ہے. مجھے دیکھ کر رنگ مت بدل کتے. بات یہ ہے سیٹ جی کہ یہ ناگپور کی جیل میں میرا قیدی تھا, مجھے چکمہ دے کر بھاگ گیا تھا, اور میرے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کالا دھبا بند کر دیا. سیٹ جی, یہ خود دلی جیل میں عمر قید کرتا تھا. تم جھوٹ بول رہے ہو. پربھاکر کے ایکسیڈنٹ کے بعد
आईजी भी एक महीना दिल्ली में था बॉस, जिस बात का पता मैं बाद में चला। ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है, आप उसकी दुश्मनी की वजह से मुझे आपकी नजरों से गिराना चाहता है। होता शेठी कहता है कि ये अनपढ़ गंवार कालीचरण है, जबकि एक डीएसपी को कम से कम बीए पास तो होना चाहिए। राइट बॉस। सो प्रभाकर साहब, आई विल आस्क यू ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। एज ए पुलिस ऑफिसर, हाउ विल यू टैकल एन इम्पोस्टर? यस, आई से हाउ विल यू टैकल? यस, नो नो, हाउ विल यू टैकल? How will you tackle? आईजी खन्ना यही मार खा गया। उसने तुम्हें सब कुछ सिखाया लेकिन अंग्रेजी नहीं सिखा पाया। अब तुम खुद अपनी जबान से कहोगे कि तुम कालीचरण हो। बच्चे लाओ। प्रभाकर शर्मा, पापा। बच्चों की खाल बड़ी नरम होती है शेट्टी, इतना मारना कि बच्चे। शेट्टी ने जो कहा है सच कहा है। क्या दस साले को गैस चैंबर में, एक मिनट में मर जाए। ठहरो अल्पा, आज के प्लान में हमें प्रभाकर की जरूरत है। लेकिन बॉस, ये तो कालीचरण है। अगर आईजी खन्ना कालीचरण को प्रभाकर बना सकता है तो हम भी इसे प्रभाकर बनाकर सरकारी गोदामों में भेजेंगे। शेट्टी, तुम प्रभाकर साहब को साथ ले जाओ, वह बहुत कम है, और अपना काम करो। अवतार, तुम भी साथ जाओ। लेकिन एक बात याद रहे, अगर तुमने कोई चालाकी की तो बच्चे तुम्हें बहुत प्यारे। क्या हक है आपको एक इंसान को गलत समझकर इस तरह धुतकार देने का, क्योंकि वो एक आम मामूली अनपढ़ आदमी है? पर उससे महान तो आप भी नहीं आईजी साहब। याद रखिए, अगर आज कालीचरण को कुछ हो गया तो आज के बाद कोई कालीचरण प्रभाकर बनने की कोशिश नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। उसे बचा लीजिए। डीएसपी प्रभाकर श्रीवास्तव, हमें गोदाम की चेकिंग करनी है, मामला बेहद जरूरी है। जल्दी काम शुरू करो। बैरी, इन रोशनदानों में बम लगा दो, मैं अभी बाहर जाकर मेन पॉइंट लगाकर आता हूं। क्यों बेटा कालीचरण, कैसा लगा बंदोबस्त? 15 मिनटों में सब साफ। तुम्हारे साथ है दोस्त। शाका, Yeah!
पंच मरने से पहले हमेशा फड़फड़ाते हैं। मेरा भाई होते हुए मेरे साथ ही गद्दारी, बांध दो दोनों हरामजादों को। बिहारी, बारूद फटते ही गोदाम के साथ इनका भी काम तमाम हो जाएगा। ये पूरा नेट इधर से लेकर इधर तक लगाओ। अवतर साहब, अंदर का कनेक्शन आप लगाइए। सुनो, तुम बाहर जाकर मेन कनेक्शन देखो। शाका, तुम यहां कैसे आ गए? तुमने मानव से जो कुछ भी कहा था दोस्त, मैंने सब सुन लिया था। इस सिग्नल का मतलब यह है कि अब पुलिस हमारे सारे रास्तों पर आ चुकी है। जैक, अब हमें अपने प्राइवेट रास्ते से निकल जाना चाहिए। कानिया, अब यह डेन हमारे काम का नहीं रहा, इसे खत्म कर दो। ओके बॉस। दीनदयाल, शेर दिलदार हुआ करते हैं और कुत्ते वफादार। ना तुम शेर निकले और ना कुत्ते। बता कमीने, कहाँ है बच्चे? बड़ी हिफाजत से हैं जैक। अच्छे दोस्त होने के नाते तुम्हें आखिरी सलाह देता हूँ, पिस्तौल उस तरफ फेंक दो। नहीं ग्रैंड पापा, आप हमारी जान की परवाह मत कीजिए, हम भी अपने पापा के बच्चे हैं। हाँ ग्रैंड पापा। रिवाल्वर फेंक दीजिए खन्ना साहब। दैट्स गुड। अब अपनी जेब से ट्रांसमीटर निकालिए और पुलिस वालों से कहिए कि वो साउथ एवेन्यू की तरफ जाएं। सब चीज रेडी है? एक मिनट सर। अरे जल्दी करो, वक्त मिटने और मिटाने का है दोस्त। अब इस गोदाम को राख होने से बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जल्दी बोलो, करना क्या है? रेडी वन। मेरे साथ। ऐ शाबाश, तो शाबाश, क्या निशाना मारा है, क्या निशाना मारा है? हरामजादे, अब बच कर मिले। शाका, तूने ये क्या किया? शाका, हमने तुम्हारा कर्ज उतार दिया है दोस्त। नहीं शाका, नहीं शाका, शाका, शाका। हमारा तो सारा प्लान बेकार हो गया शेट्टी साहब। शेट्टी कभी बेकार नहीं हुआ। तुम लोग काले चरण को ढूंढो,
वो यहीं कहीं होगा, मिलते ही गोली मार दो। लेकिन गोदाम? तरीका नंबर दो, थोड़ी देर में यहाँ से ट्रेन गुजरने वाली है, मैं जाकर मेन लाइन का कांटा बदलता हूँ। ट्रेन इस पटरी पर आएगी, ये ट्रक से टकराएगी, इसमें भरा हुआ भारो दिन गोदाम उड़ा देगा। लेकिन सर वो तो पैसेंजर ट्रेन है, उसमें लोग होंगे। वेरी गुड, लोगों की जिंदगी इस अनाज से सस्ती है, उन्हें भी मर जाने दो। और सुनो, ट्रेन आने तक तुम लोग काली चरण को ढूंढो, मैं जाकर मेन कांटा बदलता हूँ। ओके सर। जिंदगी कितनी प्यारी होती है दीनदयाल, लेकिन तुम्हें याद होगा एक दिन मैंने अपने बाप की कसम खाई थी कि प्रभाकर की मौत का बदला मैं लूंगा। मानता हूं, अब मानता हूं, मुजरिम को प्यार और जिम्मेदारी दी जाए तो वो क्या नहीं कर सकता, ये तुमने साबित करके दिखाया खन्ना। अरे तुम्हारी आंख में आंसू। हाँ डेविड, उस कमबख्त को मैंने जेल से रहा कराया है, उसे नौकरी दिलवा रहा हूं, लेकिन सच तो ये है कि इसने हमारे प्रभाकर को वापस लौटा दिया है काली चरण के रूप में।